आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ठीक है, चैप्टर 8 का। तो इसमें दिया हुआ है क्या कि सेक स्क्वायर हमें प्रूफ करना है क्या कि सेक की फोर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होगा टेन स्क्वायर टेन की फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना, देखिए लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इसे, कहते हैं राइट हैंड साइड। किसी एक को भी आप जो है सॉल्व करके ला सकते हैं, यानी किसी एक को भी आप सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, इसके इक्वल कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जरा। ओके, आपको जो इजी लगे आप वही सॉल्व करें और मैं भी आपको वही बताऊंगा जो आप इजीली समझ जाएं। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये दिया हुआ है तो ये माइनस में लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहे हैं तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉमन निकाल लिया है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और ये बाहर निकाल लिया तो यहाँ दो बार था तो एक बार चला गया, तो एक बार बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ से चला ही गया तो वन बचा। ओके, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एक फार्मूला होता है क्या, तो ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस वन है तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू बना सकते हैं, यानी इसी से हम बनाते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, इसको इसको मैं इधर लेके आया, इसको इधर ले आया, मतलब सिंपल सी बात है। टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता हूँ, ओके, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ मैं क्या लिख दूंगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टारगेट क्या हमारा 10 में लाना है, तो देखिए ये तो 10 में आ गया है लेकिन अब इसको भी 10 में चेंज करना है। तो देखिए मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, ध्यान से देखिए, आपने इसको भी 10 में लिख लिया और इसको यहाँ से आप देखिए इसको इस तरह भेज दीजिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल, ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, इसको इधर भेजा था हमने वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब मैं इसकी जगह, ठीक है, ये देखो इसकी जगह ये रखने वाला हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, नहीं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या बचा मेरे पास मल्टीप्लाई में टेन स्क्वायर थीटा। अब इस टेन स्क्वायर थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो टेन की पावर फोर हो जाएगा। और देखिए चाहिए क्या था हमें, यही चाहिए, प्लस में इधर उधर लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ओके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड हमें मिल गया। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया है, वहाँ पर आप अपनी बात को लिख दें और वो मुझ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है क्या कि वन प्लस साइन थीटा अपॉन में वन माइनस साइन थीटा इक्वल होना चाहिए टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। तो आइए फिर वैसे ही करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है रूट में वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, रूट में साइन दिख वन प्लस साइन दिखे या वन प्लस कॉस दिखे या वन प्लस सेक दिखे, वन प्लस कुछ भी दिखे, आपको इसका हर प्रमेयकरण करना है। हर प्रमेयकरण का मतलब होता है जो नीचे दिया हो उसी से इसमें मल्टीप्लाई करना है, बस फर्क क्या होगा, थोड़ा सा फर्क होगा, और वो क्या, ऊपर वाले को नहीं देखना है, नीचे वाले को देखना है। नीचे देखिए क्या दिया हुआ है साइन थीटा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए जो साइन होगा उसका उल्टा करके, जैसे वन है माइनस है तो प्लस करके। अभी मैं सोचिए तो ऊपर दिया हुआ ऐसे नहीं, ऊपर कुछ भी हो सकता है, आप नीचे वाले को देखेंगे सिर्फ, ठीक है, और उसका साइन सिर्फ बदल के बीच वाला, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक, डिनोमेटर रेशनलाइजेशन, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, हर प्रमेयकरण। तो प्रमेयकरण कर दिया हमने, और अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा और इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दो बार है, ठीक है। और ये देखिए ये है एक बार ए माइनस बी, ओके, फार्मूला होता है, और ए प्लस बी, देखिए एक बार माइनस में ही एक बार प्लस में है, तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वन की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पर मैंने ये लिख के दिखाया वैसे ही ए की जगह वन है और बी की जगह साइन थीटा है।
तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिली हमें, कि 1 प्लस साइन थीटा को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, कुछ मत कीजिए, साइन थीटा ये होल स्क्वायर, ओके। और ये किसका फॉर्मूला होता है, देखिए 1 का स्क्वायर लिखिए चाहे मत लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 माइनस में अगर आपने देखा फॉर्मूला इस सपोर्टिंग मटेरियल का, इस वीडियो के नीचे की लिंक है वहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। यानी फॉर्मूला होता है कौन सा, मैं यहाँ पे लिख के दिखाया था आपको, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, यहाँ से बना सकते हैं। और क्योंकि अगर ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है फॉर्मूला आया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी पूरे पे स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक ब्रैकेट में लेंगे और दोनों का स्क्वायर जो है एक साथ चला देंगे, यानी दोनों पे एक साथ लगा देंगे ऐसे, ओके। अब ये बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा, कटना मानिए या फिर इसको दो बार आप लिखेंगे ना मल्टीप्लाई में, तो ये फैक्टर के तौर पर एक बार बाहर आएगा। तो हमारे पास जो आया है वैल्यू जो आई है वो है ये, रूट अब हट जाएगा और सिंपली बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस दोनों को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, क्योंकि देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, तो मैंने क्या किया 1 अपॉन में cos थीटा लिख लिया और प्लस लगा के इसके नीचे भी कॉस थीटा लिख लिया। तो अब देखिए आपका प्रूफ हो गया जो हमें चाहिए था। और हमें क्या चाहिए, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पर इस वाली लाइन को, क्योंकि जगह की कमी है। अब आप देखिए 1 अपन cos थीटा प्लस में साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो 1 अपन cos थीटा क्या होता है, 1 अपन cos थीटा होता है सेक थीटा, ओके। और प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अगर आपने पीछे वाली वीडियोज देखी हो तो आपको पता चलेगा कि ये सब फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। यानी 1 अपन cos थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा और साइन अपन कॉस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही तो हमें प्रूफ करना था। तो राइट हैंड साइड आ गया हमारा, प्रूफ हो गया। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 17 सपोर्टिंग मटेरियल का, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें जो दिया है उसमें क्या करना है हमें, कि एक्स की वैल्यू दी है पी कॉस थीटा प्लस क्यू टेन थीटा और वाई की वैल्यू दी है पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा। और हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए ये हमें निकालना है, तो ये अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है पी कॉस, तो देखिए यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। सेम ऐसे ही वाई की स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वाई की स्क्वायर करेंगे। तो आइए करते हैं स्क्वायर एक्स, चाहिए हम इक्वेशन मान लेते हैं नंबर 1 इसे नंबर 2, तो यहाँ लिखने में आसानी रहेगी कि स्क्वायर इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। 1 एंड 2 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1 और 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, 1 और 2 का वर्ग करने पर, ओके। तो अब एक्स का जरा स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है, बारी बारी से मतलब होता है एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सब पे स्क्वायर नहीं लगाते हैं, ठीक है, प्लस में क्यू टेन थीटा, इसमें हम ऐसे स्क्वायर होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए की स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर पूरा ये ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स क्यू पूरा, यानी क्यू ये पूरा बी है, तो क्यू टेन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस में टू ए, तो ए भी होगा, तो जैसे इसका पी और क्यू मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ये देखिए ए, ठीक है, और दोनों का एक मल्टीप्लाई एक साथ, तो कॉस थीटा इंटू, तो दिखाई ना दे रहा हो तो नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेन थीटा, ओके। तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए इसे, क्लियर। सिमिलरली वाई का स्क्वायर कीजिए, जैसे मैंने अभी लिख भी दिया यहाँ पर, तो वाई का स्क्वायर हम करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा की होल स्क्वायर करते हैं। तो सेम वही कि ए की स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टू पी क्यू
sec थीटा गिवन है यहाँ पर। मैंने क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन गलत लिख लिया थोड़ा सा। यहाँ पर मैं, यहाँ sec थीटा गिवन है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने cos cos लिखा है वहाँ sec लिखेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे, सॉरी। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, sec। ओके, तो आशा करता हूँ ठीक हो गया होगा। यहाँ मैंने गलत लिख लिया था इसीलिए ऐसे, नो प्रॉब्लम, छोटी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर थीटा, तो 2p sec थीटा इंटू 10 थीटा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये तो इक्वेशन थर्ड थी, ये इक्वेशन फोर मानिए। अब देखिए टारगेट देखते हैं हम कि एक्स स्क्वायर में से माइनस किया गया है वाई स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है, ये पूरी इक्वेशन है, ये वैल्यू लेनी है आपको पूरी। और वाई स्क्वायर क्या हमारे पास, ये। तो माइनस कीजिए, मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। घबराना नहीं है, ये बड़ी तो है लेकिन ये आसानी से हो जाती है सारी इक्वेशन, जैसे जो भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन होते हैं बड़े क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं, बस हमें फॉलो करना होता है क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आप रखिए पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2pq सेक थीटा इंटू 10 थीटा। ओके, माइनस, अब देखिए माइनस करेंगे तो क्या, ये इस पूरे पे हम ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस का साइन रखेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का, तो मैं इसके नीचे ही लिखता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो देखने में, माइनस का क्या पी स्क्वायर टेन स्क्वायर। ओके, माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2pq सेक थीटा इंटू 10 थीटा। ओके, तो अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस का पूरा कट गया, बचा क्या, जरा देखिए ध्यान से, बचा हमारे पास ये पी वाले एक साथ, देखिए पी वाले एक साथ देखिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। ओके, तो क्यू स्क्वायर, या थोड़ा सा मैं लाइन बढ़ा, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये वाला लिख लिया मैंने। तो देखिए पी, इसमें पी कॉमन आ रहा है, ओके, यहाँ पर क्यू कॉमन आ रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर रफ कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए और आपको पता तो चले गया प्रूफ क्या करना है। तो इतना मैं स्क्वायर जो है, ठीक है, थोड़ा सा और मिटा देता हूँ ताकि, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, स्पेस की ज़रूरत है। तो देखिए हमें पी जो है कॉमन निकाल लेना है, तो मैंने पी निकाल लिया, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर निकाल लिया कॉमन, तो ये अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये प्लस है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, प्लस लिखिए पहले, ये मत सोचिए कि क्या आ रहा है, हमें तो माइनस चाहिए था, यहाँ प्लस क्यों आ रहा है, डोंट थिंक, जस्ट राइट। ओके, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, वन का। तो मैं यहाँ लिखूंगा पी स्क्वायर मल्टीपल वन। ओके, और पीछे जरूर मेंशन करके दिखाएं आप ऐसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है। ओके, ये जरूर लिख के दिखाएं आप। तो यहाँ तो हो गया, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो वही चीज़ है, लेकिन साइन रिवर्स है। तो हम क्या करते हैं, अंदर जब हमें साइन चेंज करना हो तो हम बाहर भी साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, प्लस की जगह माइनस, और अंदर जो है, और यहाँ क्यू स्क्वायर लिख देता हूँ, और अंदर क्या हो जाएगा, अब जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये भी फॉर्मूला बन गया ऐसे ही। तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीपल वन। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आई, वो हमारे पास वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो देखिए अपने आप ही राइट हैंड साइड आ गया। ओके, हमें ये प्रूफ करना था, आ भी गया हमारे पास। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पर अपनी बात को कह दें और वो बात मुझ तक पहुंच जाएगी, जैसा भी हो सकेगा मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल का बटन बनेगा, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे बेल का बटन बनेगा, उसे जरूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे हमारी चैनल की, वीडियो जो अपलोड होगी वो आप तक पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।